हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुककीपर के जॉब के बारे में। तो एक बुककीपर के जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो एक टिपिकल जो उनका काम करने का दिन होता है उसमें क्या काम करते हैं और क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है एक बुककीपर का जॉब करने के लिए, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। अगर हम लोग सिंपल भाषा में इसको समझना चाहें तो एक बुककीपर का काम होता है जितनी भी किसी भी बिजनेस के लिए जिसके वो लिए काम कर रहे हैं उनके जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड करना और उनको ऑर्गेनाइज करना। तो टिपिकली ये काम होता है एक बुककीपर का। बट जो बुककीपिंग का काम है वो बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग होता है, क्योंकि जो बुक कीपिंग है वो लार्जली फोकस करेगा जो डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब पे वो ध्यान रखते हैं, उन सबको एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, लेट्स से कि एक कोई कैफे है तो वहाँ पे क्या क्या ट्रांजैक्शंस होंगे बिजनेस के, उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जिससे ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। जैसे कि वो जो कैफ़े रन कर रहा है, हो सकता है कि वो लीज पे हो तो उनका जो लीज़ का पेमेंट होगा वो मंथ में जाएगा। जो कैफ़े में ज़रूरी है कि कॉफ़ी बनाएंगे वो लोग तो कॉफ़ी या जो उनका एक रॉ मटेरियल हम लोग कह सकते हैं वो जो ख़रीद रहे हैं, उसके अलावा अगर वो किसी को क्लीनिंग करने के लिए बुला रहे हैं तो वो उसको पे करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं वैरायटी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं और इन सारे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारा काम एक बुककीपर का होता है। जिस तरीके से, जिस एक्यूरेसी से बुककीपिंग की जाएगी वो बहुत डिटरमाइन करेगी अकाउंटिंग के लिए, वो बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि बुककीपिंग का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कुछ भी मिस कर देंगे, लेट से कि आपने एंट्री कर दी जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, पर आप जब एंड में जाके उसको टोटल करेंगे तो आप देखेंगे अगर कुछ मिस है तो वो फिर एक्यूरेट नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हो गई। तो एक एक ट्रांजैक्शंस का वहाँ पे डाला जाना, उनका एक्यूरेट होना, जो भी कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं, लेट्स से आप कैटेगरी आपने चूज करी रॉ मटेरियल, तो उन जो ट्रांजैक्शंस आप जो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका सही कैटेगरी में जाना वो भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो उसी के बेसिस पे होगा। अकाउंटेंट तो आपसे ही लेंगे वो डाटा जो एक बुककीपर ने तैयार किया है, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्यूरेसी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हम लोग ये बात करें कि बुककीपिंग की ज़रूरत क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है बुककीपिंग की, अगर नहीं करें तो क्या होगा, पर अगर हम लोग देखें कि लेट से एक बिजनेस है और उनको एंड ऑफ द ईयर तो उनको अपने टैक्सेस फाइल करने होंगे, उनको अकाउंटिंग अपनी सही से रखनी होगी, जीएसटी फाइल करेंगे, तो उसके लिए उनको एक्चुअली पता होना चाहिए कि उनकी सेल्स कितनी हुई, उन्होंने क्या खर्चा किया है, उन्होंने कहाँ पे किसको कितने पैसे दिए, उन्होंने लोन अपना रिपे किया है कि नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो उनको ये सारी चीज़ें डिडक्ट करनी होंगी और देखना होगा कि उन्होंने एक ईयर में प्रॉफिट किया भी है या नहीं किया है। तो जो एक बुककीपर काम करता है वो बहुत ही ईजी कर देता है चीज़ों को समझने के लिए, जो बिजनेस है उसको भी समझने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि एक जगह सारा डेटा अगर आप विजुअलाइज करके देखिए कि सारा डेटा, सारे जितने भी ट्रांजैक्शन रिसीट हैं आपके पास वो एक तरीके से फैली हुई पड़ी हैं, आपको पता नहीं कि कब क्या आपने क्या यूज़ करा है या क्या ख़रीदा है, और फिर आप विजुलाइज करिए कि एक जगह सारा ही जो डेटा है, सारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो सही से वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको दिख रहे हैं, तो आपके लिए कितना क्लियर हो जाता है ये समझना कि आप कहाँ अपने बिजनेस में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको क्या आगे करना है, आपकी सेल्स कम हो रही हैं या आप कहाँ पे कट कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस थोड़ा आगे जा सके।
जो बुक कीपिंग है वो दो मेथड से करी जा सकती है, एक होती है सिंगल एंट्री, एक होती है डबल एंट्री। बट जो भी बिजनेस हैं जिसकी बुक कीपिंग हो रही है वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन सा मेथड अपनाना है, उनको जो सूटेबल लगता है वो मेथड वो चूज कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, बुक कीपिंग का जॉब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा? मुझे लगता है कि बुक कीपिंग का जॉब कुछ अगर जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है अगर वो आपके पास हैं तो ये रादर एक सिंपल जॉब है जो आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि अगर आप अपने ही घर में कोई बिजनेस है अगर आप उसकी बुक कीपिंग शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाती है कि कैसे बुक कीपिंग करनी है। जो स्किल सेट है या फिर जो सिस्टम्स आपको आने चाहिए जिस पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर आपके पास वो स्किल सेट है तो एक रादर सिंपल जॉब है अगर आप उसको करना पसंद करते हैं। और अगर आप ऐसे एक इंडिविजुअल हैं जिसको चीज़ें ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छा लगता है तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा जॉब है। तो जब हमने देखा कि जो एक स्किल सेट रिक्वायर्ड है उसमें ऑर्गेनाइज करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक स्किल सेट है जो एक बुककीपर के पास होना चाहिए, क्योंकि आपका सारा काम ही वही है कि आप डेटा को, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिससे कि वो बिजनेस के लिए, अकाउंटिंग के लिए ईजी हो जाए। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी स्किल सेट है एक बुककीपर के लिए। और जो ये सारा काम हो रहा है वो आजकल कंप्यूटर पे होता है, तो उसके लिए कंप्यूटर की पहले तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एमएस ऑफिस है, एक्सेल है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप शुरू ही कर रहे हैं, जो बेसिक तरीके से आप करेंगे बुककीपिंग वो आप एमएस एक्सेल पे करेंगे, तो एक्सेल आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो वो एक स्किल सेट है जो आपको एक्वायर कर लेना चाहिए अगर आप बुककीपिंग के जॉब के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा एक बुककीपर में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, उनका जो काम है वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते आपको एक महीने में जैसे 50 ट्रांजैक्शंस हैं वो डालने हैं और आपने एक दो ट्रांजैक्शन है वो गलत डाल दिया, तो वो सारा ही जो आपने डाटा या बिजनेस ट्रांजैक्शन एंटर करे हैं तो वो मायने नहीं रखेगा, उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी जो एक बुककीपिंग के काम में बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पंक्चुअलिटी भी होना ज़रूरी है कि आपको जब वो ट्रांजैक्शंस की रिसिप्ट मिली या जब भी वो डाटा मिला तो आप उसको तुरंत ऑर्गेनाइज कर दें, डाल दें। उसके अलावा एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए कि आपको एक रिसिप्ट मिली उसमें चार चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये चार चीज़ें एक बिजनेस ने खरीदी या उसके लिए पे किया, तो आपको उन सारी चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में डालना है, तो आपको अटेंशन टू डिटेल भी देना होगा वहाँ पे कि आप एक एक चीज़ को सही कैटेगरी में डालें जिससे कि वो जो आपका काम है आप सही ढंग से कर पाएं। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है एक बुककीपर के लिए, ऐसे तो कोई भी ग्रेजुएट कर सकते हैं बुककीपिंग, पर अगर आपने बीकॉम कॉमर्स किया है तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो ये जो सारा एक बुककीपिंग का जॉब है, एक ऐसा भी जॉब है जो वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं कि आप जैसे फ्रीलांस कर रहे हैं तो आपने अपने कुछ क्लाइंट बना लिए और वो अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको भेज दे सकते हैं, तो आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना बिजनेस कितना ग्रो करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑफिस में बैठ के ही काम कर रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम भी इसमें कर सकते हैं। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और एक ऐसा भी काम है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होना ज़रूरी नहीं है, बस जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल है, अटेंशन टू डिटेल है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप एक बहुत अच्छे बुककीपर बन सकते हैं। तो ये एक वीडियो था बुककीपर के बारे में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।